हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू लीर लाइफ व्लॉग। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस व्लॉग में। इस समय मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ। हमारी गाड़ी है 19041, ये निकली है बांद्रा से और मुझे जाना है जौनपुर। और ये मैं बांद्रा से नहीं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर बोरीवली स्टेशन से। बोरीवली स्टेशन हमारे भाईंदर स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। तो ये ट्रेन बांद्रा से जब निकली तो वहाँ का टाइम था कुछ 11:25 का, और बोरीवली में आई है 12:02 पे। तो मैं सही टाइम पर पहुंच गया और ट्रेन के अंदर बैठ गया हूं। और मेरा बैठने का जो सीट है, मुझे ये सीट बहुत अच्छी लगती है जो विंडो के एकदम साइड में होती है। एक सीट वो होती है जो तीन इधर होते हैं, और एक सीट वो होती है जो सिर्फ दो ही होती है, एक ऊपर और एक नीचे होती है। तो मुझे वो सीट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे वो सीट मिली और मैं वहीं पर बैठ गया हूं। मतलब इस समय मैं नीचे नहीं, मैं ऊपर हूं, और मैं आपको सीट दिखाता हूं। ये हमारी सीट है, तो यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ और आपको ट्रेन दिखाता हूँ। ट्रेन में काफ़ी सारे लोग हैं, और इस समय जो समर वेकेशन का टाइम है ना, इस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, क्राउड मतलब वेटिंग वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ भीड़ कितनी है यहाँ पर। आपको मैं ये बता चुका हूँ कि बोरीवली से 12:01 पर मैं ये ट्रेन पकड़ चुका हूँ। रात के 12 बजे से लेकर तकरीबन 2.5-3 घंटे तक मेरा जो भी सफ़र था वो ऊपर ही भी था, क्योंकि मैं सोया हुआ था। जैसे ही सूरत आया तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास, तो मैं जाग गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई और लोगों में इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी कि मुझे नहीं लगता कोई भी सो सकता है। फिर मैं थोड़ी देर तक जागता रहा और कुछ टाइम बाद फिर से सो गया। उसके बाद में जब मैं सोया हूँ तो फिर उठा 6:30 बजे, और अब मैं आ गया हूँ नीचे, क्योंकि काफ़ी सारे नज़ारे, काफ़ी सारे सीन ऐसे है जो आपके देखने के लायक है। तो चलिए दिखाते हैं। इंडिया की ट्रेन की जर्नी, या पैसेंजर हो या फिर एक्सप्रेस हो, मतलब किसी आप आसपास की जगह में जा रहे हों या कहीं दूर जा रहे हों, उसका दोनों का अनुभव, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहता है, बहुत अलग रहता है। क्योंकि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं उसमें रिजर्वेशन टिकट होता है आपका, और वो रिजर्वेशन टिकट इंडिया में 120 दिन पहले होता है, मतलब 4 महीने पहले बुक होता है, और उसके बाद आप उस ट्रेन में जाते हैं और अपना सफ़र करते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि रिजर्वेशन होने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं। तो इंडिया के वेटिंग लिस्ट का सिस्टम कुछ ऐसा है कि आप ट्रेन के अंदर चढ़ सकते हैं, किसी को मनाने पर कोई मान गया तो आप बैठ भी सकते हैं, पर आपके नाम की सीट नहीं होती है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं ये जानता हूँ कि जितनी रिजर्वेशन की सीट की लोग होते हैं उतने वेटिंग के भी लोग होते हैं। आपको दिखाएंगे यहाँ की भीड़ कैसी है। Thank you.
फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं इलाहाबाद जंक्शन पे। ये सफ़र कैसा रहा ये मैं बताऊंगा आपको वहां पहुंचने के बाद, पर जब से हम बैठे हैं तब से अभी तक, मतलब तकरीबन कानपुर तक, कानपुर में हम पहुंचे हैं रात में तकरीबन 2:30 के आसपास, और ट्रेन थी 2.5 घंटे लेट कानपुर तक। तो पहुँच गए कैसे कैसे करके, और ट्रेन थी तो बहुत ही स्लो। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद पहुँचने के बाद जो खुशी मिलती है ना, कि लगता है कि यार अब पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ फाइनली पहुँच चुके हैं इलाहाबाद में, और यहाँ ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 10 मिनट का। 10 मिनट ट्रेन यहाँ रुकेगी और उसके बाद मैं यहाँ से निकलने वाली है। तो आगे का और आपको कुछ जो भी नज़ारे मुझे दिखेंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा। We'll be right back.
जौनपुर जंक्शन अब हम पहुंच चुके हैं और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।